गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 3 इन बनारस. वेलकम टू माई चैनल गाइज, माई नेम इज़ प्रेरणा एंड मेरी बनारस सीरीज में आपका स्वागत है. आज हम चलते हैं मेरे डे 3 के सफर पर. So we are at a new journey. There's two crowded cabins. Yeah, so it's super crowded. Standing on a pedestal, we want. This is the Ghee Kachori. It's good. It's like the usual Ghee Kachori that we have, but in a very different flavor. Like, काफी स्ट्रॉन्ग है इनका फ्लेवर. खत्म हो गया भैया. कितने बजे बंद करते हो? 6 से 12 बजे के पहले तक. मॉर्निंग 6 बजे स्टार्ट होता है और मॉर्निंग 12 बजे तक रहते हैं. 12 बजे के बाद बंद होता है. मतलब थोड़ा बहुत बचा, 1 घंटा और बैठ गए. हम 2 दिन से भटक रहे हैं. हम 12 बजे के बाद ही आते हैं, बंद हो जाता है. थैंक यू भैया. सो जैसे कि मैंने दिखाया अभी, टाइमिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो आप टाइम से पहले ही जाइए. नीलू कचौड़ी के बाद मैं आ गई राम भंडार, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे. जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत भीड़ थी. इवन दो इट वॉज़ अ वीकडे, हमने ली आलू कचौड़ी एंड बड़ी कचौड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी. मेरे लिए थोड़ी सी स्पाइसी थी, बट डेफिनेटली वर्थ द वेट. हमें अराउंड 15-20 मिनट्स मिनिमम लगे. और हाँ, यहाँ ये सब देसी घी में बनता है. द शॉप जस्ट अ लिटिल फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ राम भंडार. दिस इज द वन. अंकल, दिस इज फॉर यू. वी हैव हाईली रिकमेंडेड दिस. बेटर बी गुड. दो आई एम नॉट अ स्वीट, आई डोंट हैव स्वीट टूथ, बट लेट्स ट्राई. इट्स नॉट ओवर पावरिंग. दही बड़ा, बट इंस्टेड ऑफ द बड़ा इज मेड ऑफ छेना. ओके, छेना इज लाइक खोया. सो मैं तो कोलकाता से हूँ गाइस, मैंने तो बहुत ही छेने की मिठाई खाई है. हेल्प मी, इसको इंग्लिश में कैसे समझाया जाए? ये था बनारस के कंटिन्यूस नॉन स्टॉप अननेसेसरी हॉन्किंग के लिए. एंड उसके पास ही मुझे मिली ये अमेजिंग प्रिटी लेन, जहाँ पे पूरी बनारस नगरी पेंट की गई है. सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट जैसे ही मैं वॉक कर रही थी, मेरे जस्ट सामने से एक डेड बॉडी निकली, बिकॉज हम मणिकर्णिका घाट के पास ही थे. एंड मैं एकदम से चौंक गई. इस लेन में वॉक करते वक्त समझ में आया क्यों कहते हैं कि बनारस की हर गली में, कण कण में शिवलिंग बसे हैं. सो अब मैं लेके चलती हूँ आपको एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह मणिकर्णिका घाट पे, विच इज़ द काशी करवट और द रत्नागिरी टेम्पल. कहते हैं इस मंदिर का निर्माण राजमाता अहिल्या बाई की दासी ने अपने नाम पर बनवाया था, इसीलिए इसका नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी है. मानसून में 6 मंथ्स के लिए तो टेम्पल पूरा पानी के अंदर रहता है. और कहते हैं क्योंकि वो गरीब थी, वो इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं करवा पाई, इसीलिए वो आधा अधूरा रह गया. पर ऐसा भी कहा जाता है कि इसको एक श्राप मिला हुआ है, इसीलिए ये हर साल थोड़ा झुकता जाता है. बट करेंटली ये 9 डिग्रीज पर टिल्टेड है, जबकि एक्चुअली जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, वो ओनली 5 डिग्रीज तक टिल्टेड है. We have reached the Vyagraj Ghat and now we are going towards the Sankatmochan Mandir.
द दुर्गा टेम्पल, द BHU कैंपस वेयर देयर इज़ द न्यू टेम्पल, एंड फिर हम जाएंगे पहलवान की लस्सी पीने. द फूड इन बनारस हैज़ बीन वे टू ओवरवेलमिंग, टू बी ऑनेस्ट. आई डिड नॉट नो दिस सच गुड फूड अवेलेबल. It's crazy. You just cannot. I think it's my third day and I'm still trying new items and still amazed by each and every new item that I'm trying. So get your stomachs completely ready for a big magical food tour. So this was supposed to be like a solo trip as usual, but when I landed at my hostel, I met her. Hi. Hello. So it's very crazy because. Yeah, so when I reached my hostel, she was already checking in, and apparently we had the same flight from same place, which is Bangalore to Varanasi. We took the same time to reach the hostel, so quite a coincidence. So we are having great fun, straight. Yeah, we're having great fun. Very lucky that I got company the first day, and yes, hopefully that is what I keep telling about solo traveling. If you are conscious or if you're not sure, it's okay, you will always meet people. Even if you don't, it's fine, you will enjoy yourself. So have a leap of faith and go. एज इन मोस्ट टेम्पल्स यहाँ पे भी अंदर कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं थे, बट संकट मोचन टेम्पल के अंदर आप बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो आराम से बैठ के. देयर इज काफी स्पेस है वहाँ पे. So we are at the BHU campus, just one of the grounds, and I'm sitting here because I really wanted to rest. And it's like 5 to 7 minutes of walking from Pehlwan Lassi. The Rabdi Lassi was fab. And there's a temple here, New Vishwanath Temple if I'm not wrong. So that's open till 9. We'll just rest for a while and then go there. The campus is so huge, oh my god. It's like never ending. I don't know if it's supposedly should be called a campus, it's more like a small city, and apparently there are like 22 gaons inside this campus, someone told, I'm not sure. And the person who is like the founder or the owner of this place, the founder, so he was, I think, given I've not read the whole story yet, he was given sort of leverage that as many steps as he can walk and come back, so that land will be that person's. So I think he walked a lot. It's huge, and I think except students, we are seeing everything possible here. Cars, buses, auto rickshaws, people coming in and out, because it's like so huge. It's crazy we have this such a big university here. I had no idea about it, but I'm really happy now. I just want to relax and then we'll head to the temple. There's some students practicing theater. We planned to go to the Ramnagar Fort, but I think late ho gaya. It closes at 5:30 PM, so by the time we make it, it's about to be closed. So maybe tomorrow. Abhi, I have also put my phone on charge at a cafe, and yeah, then I don't know. We'll see. But it's been a great day. The best way to explore Banaras is just walking. I would say walk, like be ready to walk and explore the not the main roads because it's too crowded, but like the small lanes, choti choti galiyan, the typical Banaras ki galiyan, you have to like go through them to experience. There's so many temples, chota chota mandir, and every corner, nook and corner, the ghats. I think that's the beauty of Banaras. So great. Also, I think this is one of the first few times I've been able to vlog because it's so noisy. My god, the honking is crazy and so crowded. So hardly I could get anywhere that I could speak. It's so noisy. But this is quite chill and people are playing cricket. Nice.
आई हैव माई चेकआउट टेक्निकली टुमारो बट आई थिंक आई विल एक्सटेंड द डे मोर जस्ट डू नथिंग ईट द डिशेज अगेन दैट आई वॉन्ट टू ईट सी हाउ इट गोज आई थिंक इट्स वर्थ द हाइप नॉट वन प्लेस इन टर्म्स ऑफ सीइंग द ब्यूटी और इन टर्म्स ऑफ ईटिंग आई फाउंड एनीथिंग लाइक दैट हैज बीन ओवर हाइप्ड और नॉट वर्थ इट It's amazing. It's very rightly said. There's some different sort of energy, a different cosmos power over here. Just sit at the ghats, do nothing, like literally. दो दिन के बाद जब हमें पता चल चुका था कि बनारस इज़ कम्प्लीटली सेफ इवन एट नाइट फॉर फीमेल सोलो ट्रैवलर्स तो हमने थोड़ा रेस्ट किया स्लो किया एंड फिर हम गए अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ एकदम इट फील्स लाइक बैक टू कॉलेज समोसा चाय So this is the new Kashi Vishwanath temple which is inside the BHU campus. As you can see it's very very big. I think it's new so it's comparatively very empty also compared to all the other temples. But it's very pretty. Now we'll go up somewhere there and just go. Inside you have the Shivling and few other temples as well. So. Pandit Madan Mohan Malviya BHU campus ne ek Kashi Vishwanath का सिमिलर मंदिर बनाना चाहते थे एंड इसमें उनकी हेल्प बिरलास ने करी इसलिए इसको बिरला मंदिर भी कहा जाता है जो कि 1966 में रेडी हुआ है ये जो काशी विश्वनाथ टेंपल है उसी की सिमिलर स्ट्रक्चर में बनाया गया है बट ये मार्बल का बना है एंड इसकी हाइट है 253 फीट इसको आप अपने में ही एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं बिकॉज इसके अंदर खुद डिफरेंट 7 टेम्पल्स हैं बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के हम जब गए तो वहाँ पे एक रात की आरती हो रही थी जो बहुत ही अमेजिंग थी उतना क्राउडेड नहीं था मेन टेंपल की तरह बट उतना ही मैजिकल था अमेजिंग एक्सपीरियंस फर्स्ट फ्लोर ऑफ द न्यू टेंपल इट्स वेरी वेरी पीसफुल फर्स्टली आई डोंट नो इफ वी आर अलाउड टू शूट हियर और नॉट आई ट्राई टू लुक देयर इज नो साइन दैट सेज डोंट टेक फोटोज एंड वीडियो And I think maybe you can come at the night time because this is one of the few temples that's open pretty late, like I think till 9 o'clock. Others mostly close around 5 p.m. So that way it's good. Like if you're coming, you can make this as the last stop and probably just spend some time. It's not like hurry, hurry. You have to just move around. You can just be here and just enjoy. इतने टायरिंग डे के बाद अब टाइम था कुछ खाने का सो हम आ गए केरला कैफ़े उत्तीर्णा के कुछ लोकल फ्रेंड्स के साथ एंड दिस वाज रियली रियली नाइस कम टू द पार्टी चोखा अंदर जा सकते हो हम सब जानते हैं कि इंडियन हैंडलूम कितना पुराना एंड कितना रिच है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिल्क हमारे दिमाग में बनारसी सिल्क ही आता है जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे आप देख सकते हैं बनारसी सिल्क बनाने का प्रोसेस आप इजीली देख सकते हैं अभी तो ये बंद था बिकॉज लेट हो गया था एंड आप यहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं काफ़ी ऑप्शंस है एंड यू कैन सी हाउ माइन्यूटली एक एक थ्रेड को वीव करके बनाया जाता है यहाँ पे आप ऐसे पूरा प्लेटर भी ले सकते हैं बाटी चोखा का या इंडिविजुअली भी ले सकते हैं काफ़ी ऑप्शंस है पनीर के एंड डिफरेंट सॉर्ट्स तो हमने ये शेयर्ड सीट ली बिकॉज सीट्स अवेलेबल नहीं थी बट इट वाज रियली रियली गुड सो आई होप यू लाइक इट गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग
अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिए. इट मीन्स अ लॉट टू मी. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको नेक्स्ट व्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाए. हैव अ ग्रेट डे गाइज़.